दोस्तों नमस्कार, न्यूज 524 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। आज हम अयोध्या जिला मुख्यालय पर हैं और पावर कॉर्पोरेशन के फेसबुक कार्यालय पर मौजूद हैं। यहां पर हमारे साथ में SDO पंकज तिवारी मौजूद हैं। यहां पर पंकज तिवारी, जब से आए हैं यहां पर आपने कुछ नया काम किया है और बिजली आपूर्ति में काफ़ी सुधार किया है। हम इनसे जानते हैं कि आप यहाँ पर किस रणनीति के तहत कार्य कर रहे हैं और आप यहाँ पर, जैसे आप गोसाईगंज से भी, इसके पहले आप गोसाईगंज तैनात थे और आप वहाँ से आने के बाद आपने बेहतर यहाँ पे कार्य कैसे किया, आपने कैसी रणनीति बनाया, उस बारे में हम आपसे जानकारी करेंगे और आप आगे यहाँ पर क्या करेंगे जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल सके। सबसे पहले आपका SDO साहब न्यूज 524 में बहुत बहुत स्वागत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने बताया कि अभी हमारा जो मेन उद्देश्य होता है कि विद्युत सप्लाई, विद्युत आपूर्ति उपभोक्ताओं को कैसे अच्छी दी जाए, और इसके लिए जब से आए हैं हम और हमारे उच्च अधिकारी मिलके एक ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे उपभोक्ताओं को अच्छी विद्युत आपूर्ति हो। इसमें जो हमारी सबसे पहले हमारे विद्युत उपकेंद्र हैं उनको, उनका जो है मजबूतीकरण किया गया, उनको सुदृढ़ किया गया, जो वहाँ पर पैनल लगे थे उनको बदला गया, हमारे जो भी हमारे पावर परिवर्तक लगे हैं उनकी सही से मेंटेनेंस किया गया, ट्रिपिंग की व्यवस्था अच्छी की गई ताकि अनवरत सप्लाई सबको मिल सके। उसके बाद जब हम फील्ड में आते हैं तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे हैं उसको हम लोगों ने उसका मेंटेनेंस स्टार्ट किया। आपने देखा होगा कि प्रायः ये होता है कि ट्रांसफार्मर जल गया, एक दिन बाद लगता है, दो दिन बाद लगा, बहुत सारी परेशानियाँ उपभोक्ताओं को झेलनी पड़ती हैं। तो ऊपर से ही आदेश मिला है कि अगर ट्रांसफार्मर का पहले ही मेंटेनेंस कर लिया जाए तो हमें जो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, जिसका निस्तारण करके हम ट्रांसफार्मर को जलने से बचा सकते हैं, जिसको हम लोगों ने फॉलो किया। और इस, हमें लगता है कि अप्रैल से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया और आपको बताएं ट्रांसफार्मर के जलने की जो जो प्रतिशत था वो 19-20% था, वो कम होकर आज की डेट में 4% हो गया है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारे ट्रांसफार्मर कम जल रहे हैं तो हमारे राजस्व की बचत हो रही है, उपभोक्ताओं को समस्या का समाधान नहीं करना पड़ रहा है, उनको बेहतर आपूर्ति मिल रही है। कुछ जगहों पे जो प्रॉब्लम थी, जहाँ पे ये लग रहा था कि ट्रांसफार्मर बदलना ही अति आवश्यक है, ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि करना अति आवश्यक है, उसके लिए प्राकलन बना के ऊपर भेजा गया है जिसको जल्दी ही पास होकर वहाँ पर नए ट्रांसफार्मर लगवाए जाएंगे। उसके जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं SDO साहब, अक्सर पावर कॉर्पोरेशन के कार्यालय में अन्य कार्यालयों के बाहर उपभोक्ताओं की और शिकायतकाओं की, शिकायतकर्ताओं की भीड़ लगी रहती है। ऐसा लगता है कि शिकायतों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन हम आज यहाँ पे पहली बार देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके दफ्तर के बाहर एक भी शिकायतकर्ता नहीं मौजूद है। आप इस बारे में क्या कहेंगे और आप लोगों की समस्या का निस्तारण कैसे कर रहे हैं? ये मैंने एक चीज़ फॉलो किया जब से यहाँ पे आया, मैं ये अपना एक रूटीन बनाया कि जो भी कंज्यूमर हमारे यहाँ आता है, हमारे यहाँ मतलब अगर हमारे ऑफिस में आया तो उसके लिए एक पोर्टल, हमने पोर्टल इन द सेंस एक आदमी बैठा रखा है जो समस्याओं को लेगा, नोट करेगा, अगर वो समस्या तत्काल होने लायक है तो उसको मैं तत्काल निस्तारित करवाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि वो आदमी दोबारा हमारे दफ्तर में इसलिए ना आए कि उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। कभी कभी ऐसी समस्याएं होती हैं जो एक दिन में नहीं सॉल्व की जा सकती, उसके लिए हमने रजिस्टर लेके एक आदमी बैठा दिया है, हमारा एक कर्मचारी बैठा रहता है जो समस्या को नोट करता है और संबंधित जो JE हैं, हमारे जो स्टाफ हैं, उनसे रिपोर्ट लेकर उसका निस्तारण करवाते हैं। हम प्रयास करते हैं कि जल्द से मतलब 1-2 दिनों के अंदर उपभोक्ताओं के समस्या का समाधान हो जाए, चाहे वो बिल संबंधी हो, चाहे वो हमारे बिल संबंधी हो, जो बिल संबंधी हो या फिर सप्लाई के संबंधित हो, उसको भी समाधान किया जाए। एक चीज़ मैंने और किया है, जो हमारे केंद्र पे हमारे अवर अभियंता हैं उनके पास एक्चुअली वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप जानते हैं पूरी विद्युत सप्लाई को मेंटेन करना अवर अभियंता का काम है और राजस्व वसूली करना, बहुत सारे फील्ड में काम होते हैं, एस्टीमेट बनाना। इसके साथ साथ ये मैंने किया है कि आप जो उपभोक्ता हमारा जाए अगर आपके पास, तो ये वापस नहीं होना चाहिए कि उसने ये काम, उसका ये काम नहीं हुआ, आपने उसकी समस्याओं को नहीं सुना। ये आप अपने आदमी को बैठाइए, वो नोट करे, समस्या का विदिन समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाए। और इसको फॉलो करने के बाद मैंने देखा कि हमारे ऑफिस में भीड़ लगना कम हो गया, अपने आप लोग, क्योंकि सबको ये पता है कि एक बार मैं जाऊँगा मेरा काम हो जाएगा। कभी कभी बहुत रेयर केस में ऐसे होते हैं, 2-4% केस में ऐसे होते हैं जिन उपभोक्ताओं का समस्या का समाधान एक दिन में नहीं हो पाता है, जिसको हम अलग से
परस्यू करके उसकी समस्या का समाधान कराते हैं। और एक चीज़ हमने किया है, अगर मान लिया उपभोक्ता हमारा 70-80 साल का है, नहीं आ सकता है, हमने व्हाट्सअप नंबर हमारा है जो हमारा COG मोबाइल नंबर है, आप अपने कंप्लेन को फॉरवर्ड करिए, मैं प्रिंटआउट यहाँ से निकलवा के आपके समस्या का तत्काल किसी आदमी को भेज के आपके घर पे वो निस्तारण करवा देता हूँ। जैसा कि आज आपके पास समय कम है, आज आपकी मीटिंग है और आपको जाना है, हम आपका एक अंतिम सवाल करते हैं जो साहब, जैसा कि बरसात आ रहा है और बरसात में बिजली की बहुत बड़ी समस्या होती है, अक्सर फॉल्ट होते रहते हैं और इस चलते इससे उपभोक्ताओं के परेशानी होती है और जो आपके कर्मचारी हैं उनको भी परेशानियां होती रहती हैं, तो आप बरसात के पहले समय रहते आपने क्या व्यवस्था किया है जिससे लोगों की समस्या ना आने पावे? देखिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपसे बताया कि विद्युत आपूर्ति और अच्छी विद्युत आपूर्ति करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। अब आप बरसात में हमारे जैसे जितनी भी लाइनें हैं सब 15-20 किलोमीटर दूर से आती हैं, 33 KV की, 11 KV की लाइनें 4-5 किलोमीटर होती हैं, देहातों में देखा गया तो 10-15 किलोमीटर आपकी ये 11 KV की लाइन होती है, 30-35 किलोमीटर कहीं कहीं पे लाइनें हैं। इसमें मेन जो बरसात में प्रॉब्लम आती है कि हमारे जितने पेड़ हैं वो जैसे बारिश होती है वो लटकने लगते हैं और तुरंत हमारे सिस्टम अर्थ कर जाता है और लाइन फॉल्ट में चली जाती है। हमने इस बार पहले ही अप्रैल में भी किया था, हमने जून में भी किया और जुलाई में भी मैं करवा रहा हूँ और लोग भी करवा रहे हैं, विभाग पूरे अयोध्या में लोग ये काम करा रहे हैं कि जो ट्री कटिंग होती हैं, जो ट्री ब्रांचेस की कटिंग होती है वो लगभग 2 मीटर दूर रहें, 2-3 मीटर हमारी लाइनों से दूर रहें। अगर ये काम हम समय रहते कर लेते हैं तो आप ये समझिए 80% लाइन ट्रिपिंग अपने आप ख़त्म हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि जैसे इतनी धूप हो रही है इतनी धूप हो रही है हमारे इंसुलेटर पे क्या होता है कभी कभी कि धूल कण ज़्यादा हो जाते हैं जिससे उसकी जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है और बारिश होने के तत्काल जो है वो पंचर हो जाता है इंसुलेटर। तो ये समस्या रहती है जिसका निदान तो हम तभी कर सकते हैं जब वो फॉल्ट में आएगा, उससे पहले हम वो नहीं जान सकते कौन सा इंसुलेटर हमारा फॉल्ट में है। बरसात में ज़रा सा बारिश होते ही वो तुरंत अर्थ करने लगता है और हमारी लाइन फॉल्ट में आ जाती है। तो हम लोगों ने ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस कर लिया है, हम लोगों ने लाइन का मेंटेनेंस कर लिया है, ट्री कटिंग हमारी चल रही है और मैं ये समझता हूँ कि जो भी पहले हुए होंगे जितना फॉल्ट हमारा फ्रिक्वेंट आउटेज होता था आज की डेट में वो नहीं हो रहा और आने वाले समय में नहीं होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।